कौन बनेगा T20 क्रिकेट का सुल्तान, इंग्लैंड या पाकिस्तान? मेलबर्न में मैदान लग गया वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड, एक घंटे बाद आमने सामने। सबको बड़े मुकाबले का बेसब्री से इंतजार, शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज, क्रिकेट फीवर हाई। मेलबर्न में मौसम की पल पल बदलती सूरत हाल, कभी मतला साफ तो कभी काले बादलों का राज। महकमे मौसमियात ने फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड के फाइनल मैच में बारिश की पेशगोई कर दी। मेलबर्न ग्राउंड में शायकीन की आमद जारी, फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी, दिल भर कर हल्ला गुल्ला। क्रिकेट दीवानों का जीत से पहले ही जश्न, जोशो खरोश दीदनी, ग्रीन शर्ट्स की फतेह का यकीन। बड़े इवेंट का सबसे बड़ा टाकरा, क्रिकेट दीवाने चौके छक्कों की बहार देखने के लिए बेकरार। लड़कियों को बाबर, रिजवान, शाहीन और शादाब से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद, शाकिन को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान की जीत का यकीन। बॉलर्स पर पूरा यकीन, मिडल ऑर्डर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फाइनल में 100% खेल पेश करेंगे बाबर आजम। कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुराजम। बड़े इवेंट को 1992 के वर्ल्ड कप से मुमासलत दी जा रही है, बेहतरीन नतीजे देंगे कौमी कप्तान। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर भी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए पुरजोश, उर्दू में पाकिस्तान और इंग्लैंड के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। T20 वर्ल्ड कप की फातह टीम पर इनामात की बरसात भी होगी, फातह स्क्वाड को 36 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, रनर्स अप टीम 18 करोड़ रुपए की हकदार होगी। इवेंट का बेहतरीन खिलाड़ी कौन होगा? इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने भारतीय बल्लेबाज सूर्या कुमार यादव को फेवरेट करार दे दिया, बाबर आजम शादाब खान को एजाज दिलवाने के ख्वाहिशमंद। तकरीरी के हवाले से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात तक वतन वापस पहुंच जाएंगे। वीकेंड की वजह से फैमिली के इसरार पर वज़ीर आज़म का लंदन में 2 दिन का क़याम बढ़ाया गया, नून लीग की वजाहत। आईन में आर्मी चीफ की तकरीरी पर मुशावरत की इजाज़त नहीं, ताहम सलाह मशवरे में हर्ज नहीं, मामलात बेहतर करने के लिए मौसर इदारों से बातचीत जारी। मुल्क में आम इंतखाबात जितनी जल्दी हो जाएं उतना ही बेहतर है, इमरान खान पुराने दोस्त और लीडर हैं लेकिन उनके मशवरे से काम नहीं करता, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी। तमाशा हो रहा है लंदन में, किसी दुनिया के मुल्क में इस तरह का तमाशा नहीं होता। 3-4 दिन से प्राइम मिनिस्टर भी गया हुआ है और भी लोग गए हुए हैं, वहां जाके फैसला हो रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन बनेगा। जरा गौर करें कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम होता आर्मी चीफ का, उसका फैसला किधर हो रहा है? लंदन में बैठ के। वो जो इस मुल्क के चोरों का टब्बर है वो फैसला कर रहा है इस वक्त इस मुल्क के मुस्तकबिल का। मैं तो कहता हूं जो मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ है उसको बनाना चाहिए, मुझे तो कोई अपना आर्मी चीफ नहीं चाहिए। लंदन में कई रोज से तमाशा जारी, चोर मुशावरत कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा। झूठ बोलकर मुल्क से फरार होने वाला फैसलों में मसरूफ, दुनिया में और कहीं भी ऐसा नहीं होता। नए सिपहसालार की तकरीरी मेरिट पर होनी चाहिए, अदल और इंसाफ के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। बेहतर और महफूज मुस्तकबिल के लिए इंपोर्टेड हुक्मरानों से निजात जरूरी है, इमरान खान। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज खारिया में पड़ाव, शाह महमूद कुरैशी हकीकी आजादी मार्च की क्यादत करेंगे, इमरान खान का वर्चुअल खिताब शेड्यूल, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी भी तायुनात। नाअहल हुक्मरान अहम तायुनाती का फैसला भी अपने मुल्क में करने के अहल नहीं, बेख्तियार वजीर आजम ने 6 माह में 5 बार लंदन का चक्कर लगा लिया। नैब के दफ्तर में केस खत्म करने के लिए रश लगा हुआ है, 30 नवंबर तक आर या पार हो जाएगा, शेख रशीद को यकीन।
मुल्क में जारी बहरान का वाहिद हल फौरी इंतखाबात। बदकिस्मती से अहम मुल्की फैसलों का इन्हिसार अवाम की बजाय माफिया पर है। पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक लोग इन लुटेरों के खिलाफ उठ खड़े नहीं होते। मफाद परस्ती की सियासत ने जमहूरियत को दागदार कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर असलम इकबाल। कीनिया में गाड़ी पर फायरिंग से जान भर खोने वाले सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उंगलियों के नाखून खींचने जाने की भी तस्दीक। मकतूल की तस्वीर लीक होने के मामले पर पिम्स हॉस्पिटल की कमेटी तश्कील। अशय शरीफ साहब जो है उनको कत्ल करने से पहले टॉर्चर किया गया। मिस्ड आइडेंटिटी का केस बिल्कुल नहीं है, ये पुलिस झूठ बोल रही है कीनिया की। कमोबेश कोई 3 घंटे का प्रोसेस है जिसमें उनको टॉर्चर किया गया। क्लोज रेंज से पीछे कमर में उनको गोली मारी गई, उनकी जो रिब्स है उनको तोड़ा गया, 3 उंगलियां उनके नाखून उतारे गए, 2 उंगलियां जो है उनको फ्रैक्चर किया गया। खुरम मुबैना तौर पर इसको हर सूरत में अकाउंट करना चाहिए क्योंकि ये मुबैना तौर पर इस तमाम टॉर्चर का गवाह है। ये एक वेल प्लान्ड मर्डर था। कत्ल से पहले अरशद शरीफ पर तशद्दुद, दुनिया न्यूज की खबर दुरुस्त साबित। कामरान शाहिद ने प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में सबसे पहले मामला उठाया। मुस्तनद शवाहिद मंजरेआम पर लाकर हाई प्रोफाइल केस का नया रुख भी मुतय्यन किया। मशहूर शख्सियात के नाम पर भी जाली तस्दीक शुदा ट्विटर अकाउंट्स का इंकशाफ। बासर अफराद और ब्रांड्स रकम की अदायगी के ऐलान के बाद उलझन का शिकार। इलॉन मस्क की नई पॉलिसी से लोगों का ट्विटर से एतमाद खत्म होने का खदशा।